हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 4.4 में आपका स्वागत है। तो आइए प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या एक है, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यहाँ पर हमें इसको दर्शाना है एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 को। तो पहले हम करते हैं एक चर वाले समीकरण के रूप में, एक चर वाले समीकरण के रूप में पहले हम एक चर के रूप में दिखाएंगे इसको। एक लाइन खींचेंगे हम इस तरह से, यहाँ पर हमारे सेंटर 0, 1, 2, 3 इस तरह से। इधर मान हमारे पास आ जाएंगे -1, -2 इस तरह से। हमने बराबर बराबर दूरी के ऊपर ये संख्याएं लेनी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक चर है y बराबर 3। तो y बराबर 3, तो यहाँ पर 3 हमारे पास हो जाएगा, 1, 2 और 3 धनात्मक मान है, तो इधर आएगा ये बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y बराबर 3, ये बिंदु हमारा हो जाएगा जो y बराबर 3 को दर्शाएगा एक चर के अंदर। अब दूसरा पार्ट करते हैं, दो चर वाले समीकरण के रूप में। दो चर का लेंगे, दो चर वाले समीकरण के रूप में, तो यहाँ पर हम एक लाइन खींचते हैं, ये हमारा x एक्स हो जाएगा और ये y एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर मान आपके पास आ जाएंगे 1, 2, 3 इस तरह से। इधर मान ले लेते हैं हम 1, 2, 3 इस तरह से। अब क्योंकि इसमें दो चर दे रखे हैं, दो चर वाले समीकरण के रूप में दर्शाना हमें, तो यहाँ पर हमें y बराबर 3 दिया हुआ है, y बराबर है 3। तो x का मान हम यहाँ पर 0 लेके चलते हैं, तो x हमारा 0 यहाँ पर होगा और y का मान 3 यहाँ पर होगा। तो ये बिंदु हमारे पास आएगा, ये बिंदु हो जाएगा हमारा y बराबर 3। तो हम एक लाइन खींच देंगे जो y बराबर 3 यानी 3 से गुजरती हुई होगी और x के समानांतर होगी, इस x x के समानांतर 3 से गुजरती हुई लाइन। तो यहाँ पर हमारे पास y बराबर 3 का निरूपण हो जाएगा। यहाँ पर दो चर हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स का मान कुछ भी हो लेकिन वाई का मान इस पूरी रेखा के ऊपर 3 ही रहेगा। अगर आप मान लो कोई बिंदु लेते हो, यहाँ पर ये बिंदु लेते हैं हम, ये बिंदु हमारे पास क्या होगा, ये बिंदु हमारे पास हो जाएगा 1 और 3। हम बिंदु लेते हैं मान लो यहाँ पर, ये बिंदु हमारे पास हो जाएगा 2 और 3। ये बिंदु हमारा था 0 और 3। इसमें हम देख रहे हैं कि x का मान चाहे कुछ भी हो लेकिन हर बार y का मान क्या है, 3 है। इस रेखा के ऊपर आप कितने भी बिंदु लेंगे उन सब में x का मान कुछ भी होगा लेकिन y का मान सब में क्या होगा, 3। अगर आप बिंदु यहाँ लेते हैं, जैसे मैंने इसको मान लिया -1, -1, -2, अगर आप बिंदु यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर x का मान होगा -1 लेकिन y का मान कितना रहेगा, 3। तो हर बिंदु के ऊपर, इस लाइन पे के हर बिंदु के ऊपर y का मान हर बार कितना आएगा, 3। x का मान चाहे कुछ भी रहे। तो दो चर वाले समीकरण के रूप में इस तरह से हम इसको लाइन को दर्शा सकते हैं y बराबर 3 को। ये हो जाएगा इसका दो चर में समीकरण के रूप में निरूपण। प्रश्न संख्या दो है, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। बिल्कुल प्रश्न एक की तरह ये भी यहाँ पर हमें दे रखा है 2x + 9 = 0। 2x + 9 = क्या है, 0। यहाँ से हमारे पास 2x बराबर हो जाएगा घटा के 9, और इसको हल करने पर x का मान आएगा घटा के 9/2, और ये हो जाएगा घटा के 4.5।
पाँच, यानी एक्स बराबर है हमारे पास घटा के 4.5। एक्स का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। अब एक चर में दिखाएंगे इसको, तो एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट किया 0 1 2, इधर -1 -2 -3 -4, आगे बढ़ाएंगे इसको -5, इधर नेगेटिव वैल्यू आएंगी, इधर पॉजिटिव धनात्मक मान आएंगे। अब क्योंकि एक्स का मान है वो घटा के 4.5 है, तो इधर आएगा घटा के 4.5, यानी 4 और 5 के बिल्कुल बीच में, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा जो दर्शाएगा एक्स बराबर घटा के 4.5 को। तो ये हो जाएगा एक चर में निरूपण। यहाँ पर सिर्फ एक्स अकेला चर है, दूसरा कोई चर नहीं है। अब दिखाएंगे दो चर के अंदर कि दो चर में इसका निरूपण कैसे होगा। लाइन खींचते हैं हम, ये हमारा एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। इधर एक्स के मान ले लेते हैं 1 2 3, इधर एक्स के मान आ जाएंगे घटा 1 घटा के 2, इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा आगे, घटा के 3 घटा के 4 और घटा के 5। यहाँ पर ये 0 रहेगा। अब क्योंकि हमारे पास एक्स का मान है वो घटा के 4.5 है, तो वो मान आएगा यहाँ पर -4 और 5 के बीच में। अब इसने कहा दो चर के अंदर, तो दूसरा चर हम मान लेते हैं वाई, तो वाई दूसरा चर हो जाएगा हमारा और एक्स हमारा है -4.5। तो एक लाइन ये आएगी यहाँ पर इस बिंदु पर, और वाई के क्या आएगी समानांतर, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर एक्स का मान -4.5 और वाई का मान 0। एक्स का मान -4.5 और वाई का मान क्या होगा 0। अब क्योंकि इसके अंदर दो चर हैं, एक ये और एक ये, आप इस लाइन के ऊपर कोई भी बिंदु लीजिए, आप इधर से उधर सा दीजिए, यहाँ पर वाई के मान 1 2 3, अगर आप बिंदु लेते हैं यहाँ पर ये बिंदु, तो ये बिंदु हमारा होगा -4.5 और 1, ये बिंदु हो जाएगा -4.5 और 1। अगर बिंदु आप लेते हैं यहाँ पर ये बिंदु, यहाँ पर एक्स का मान -4.5 होगा, वाई का मान 2 होगा, -4.5 और 2। तो हम देख रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर जो हमने खींची है, इस लाइन के ऊपर एक्स का मान -4.5 ही है, वाई का मान कुछ भी हो सकता है, वाई का मान बदल रहा है, लेकिन एक्स का मान सिर्फ एक ही है घटा के 4.5। इस पूरी रेखा के ऊपर एक्स का मान -4.5 ही रहेगा, वाई का मान चाहे कुछ भी हो, और एक्स और वाई दो हमारे पास यहाँ पर चर हैं। तो ये जो लाइन होगी ये हो जाएगी दो चर वाले समीकरण के रूप में, जो इसको दर्शाएगी।